गाइज दुनिया में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सपने को सजाए हुए रहे कि मैं इस प्रकार से कोई भी काम करूंगा, मैं यहाँ पाना चाहता हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहे कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया में चाहते हैं। गाइज हम लोग आप लोग कहीं समुद्र में स्नान करने जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो आपको अगर मगरमच्छ पकड़ ले रहा है पैर, तो क्या करें? उससे बचने के लिए कैसे मगरमच्छ से बचे? मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मगरमच्छ आपको एक पैर पकड़ा हुआ है, एक पैर छोड़ा हुआ है, यानी कि एक पैर ही पकड़ सकता है, और दूसरे पैर से आप उसके जैसे नोज यानी कि नाक होता है मुंह के ऊपर जो नाक, अगर उसके नाक पर मारेंगे दूसरे लात से, तो बहुत जल्दी आपको पैर छोड़ सकता है। ऐसा एक बार आप जरूर करें अगर आपके पास ऐसी समस्या। आप हम लोग जब बोल रहे हैं उस समय मांसपेशिया होता है, कितने मांसपेशिया काम करता है केवल बोलने के लिए मात्र मांसपेशियों को कितने अपने कार्यों को करना पड़ता है एक शब्द बोलने के लिए। 72 मांसपेशियों को आपको एक शब्द बोलने के लिए 72 मांसपेशियों का एक साथ होने के बाद आप बोलते हैं, जी हाँ उससे कम नहीं। गाइज कितने ऐसे पक्षी है जो अपने वजन के हिसाब से अधिक यानी कि अधिक खाना खा लेती है, यानी कि जैसे कि कोई पक्षी का वजन है 100 ग्राम 200 ग्राम, तो वह वजन के हिसाब से अधिक खाना खा लेती है। जैसे कि 100 ग्राम का है तो उसे दुगुना, यानी कि अपने पक्षी अधिक पक्षी अपने वजन के हिसाब से दुगुना खाना खाती है, उससे अधिक नहीं उससे कम नहीं, लगभग दुगुना खाना बहुत अधिक पक्षी है जो खा सकते। गाय जैसे कि जीव मछलियाँ मगरमच्छ दरियाई घोड़ा जो है सबसे अधिक किस मन यानी कि नदी में पाया जाता है। नदियों में तो केवल मछलियाँ हैं, लेकिन बड़े बड़े मछलियाँ दरियाई घोड़ा मगरमच्छ इस प्रकार के कछुए बड़े बड़े वो किस सागर में पाए जाते हैं? महासागर में सबसे अधिक जीव यानी कि मछली या जल जीव जो सबसे अधिक महासागर में ही पाए जाते हैं, बाकी में नहीं। गाइज आपके हम लोग को हाथ में जो कि 5 उंगलियां है, उस 5 उंगलियां में से कौन सा उंगली यानी कि कौन सा उंगली है जो सबसे अधिक काम आने वाला है, आता है? तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठा के बगल यानी कि अंगूठे के बगल वाला इस उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। यह सबसे अधिक काम आने वाला है, बाकी उंगली बहुत कम आम उपयोग में आया जाता है। गाइज जो हमारे फेफड़े हैं जिससे सांस लेते हैं, वह किस बगल के फेफड़े यानी किस बगल के फेफड़े है जो हम लोगों को अधिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे अधिक देता है? कौन सा फेफड़े, दाहिने या बाएं? बाएं के अपेक्षा दाहिने साइड का जो फेफड़ा होता है वह सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो बाएं के वह कम कराता है दाहिने का अपेक्षा, दाहिना सबसे अधिक ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। गाइज जो अंडे होते हैं, क्या उसे आप बिना उबाले छील सकते हैं, यानी कि जिसको खलकोइया कहा जाता है, उसे अंडों को संपूर्ण रूप में निकाल कर उसे छील सकते हैं, उसे फोड़ सकते हैं लेकिन छीन नहीं सकते हैं, उसको बिना उबाले हुए आप छीन नहीं सकते हैं? ऐसा हमेशा होता है, आप कभी एक बार ट्राई भी कर सकते हैं बिना पके उसे उबाले हुए छीलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं छील सकते हैं उसे उबालना ही पड़ेगा। आप हम लोग जिस पे त्वचा यानी कि जो परतें होते हैं त्वचा का, वह एक सप्ताह में कितने खत्म करते हैं स्नान करने के समय, यानी कि स्नान जिस समय करते हैं, जैसे कि मैल छुड़ा जाता है शरीरों का, उसी के साथ त्वचा को कितने नष्ट कर देते हैं? 4 सप्ताह में 1 परत त्वचा को आप स्नान करने के समय उसे खत्म करते हैं। गाइज अगर आपके पास अनानास है, अनानास फल जो है उसको पकाना है सबसे अधिक यानी कि कम ही दिन में पकाना है, सबसे तेजी में पकाना है, तो क्या करें? आप उस अनारस को लेकर आए और उसे सीधा यानी कि जड़ के तरफ से उसे नहीं रखें, उसके जो फुनगे यानी कि जो पत्ते निकले होते हैं उस पत्ते को उलीट कर उसे उल्टा रखें। उल्टा रखने पर अनानास सबसे अधिक यानी कि अधिक समय नहीं लेगा, कम समय में ही अनानास पूर्ण रूप से पक जाएगा। कि फिर से एक सब्जियों का न्यूज आया है कि वहाँ सब्जी नहीं है, यहाँ वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन बताता हूँ कि फिर से एक न्यूज आया है कि बैगन है वह सब्जी नहीं है, वह फल है, उसे फल साइंस द्वारा प्राप्त किया गया है यानी कि माना गया है। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल या न्यूज भी बोल रहा है, आप ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बैगन क्या है, फल है या सब्जी है, फल ही मिलेगा। पूरे दुनिया यानी कि गाइज पूरे दुनिया में जितने व्यक्ति हैं वह सपने कोई ना कोई सपने देखे हुए रहते हैं, कि कोई व्यक्ति कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, कोई पुलिस बनता है, कोई आर्मी, इतना कितने % व्यक्ति है जो अपने कोई ना कोई सपने को सजाए हुए रखता है दुनिया में।
18 से 63% ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सपने को भविष्य को सजाए हुए रखता है। मैं इसलिए 18 से 63% व्यक्तियों हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब।